अगर कोई किडनी रोगी है और उसके बॉडी पे स्वेलिंग आ रही है, जैसे उसके फेस पे स्वेलिंग आ रही है, उसके पैरों पे स्वेलिंग आ रही है या उसके पेट में पानी भरा हुआ है, तो ये वीडियो उसके लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड, मैं अनिल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ एनिंग। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी किडनी रोगियों के लिए, जिसके भी हाथ पैरों पर स्वेलिंग आ रही है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, कृपया वो इस वीडियो को पूरा देखे। किडनी जब कम काम कर रही होती है, जब किडनी का GFR लेवल कम होता चला जाता है, जब इसकी फोर्थ या फिफ्थ स्टेज आ जाती है, तब एक किडनी पेशेंट का शरीर में पानी भरने लग जाता है। उसका कारण होता है कि उसको यूरिन कम आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में से जो एक्सेस फ्लूड होता है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और दूसरा उसका क्रिएटिनिन यूरिया भी बढ़ रहा होता है, तो इसकी वजह से उसकी किडनी का GFR लेवल और भी तेजी से कम हो रहा होता है। तो ऐसे में जो वो पानी होता है उसके पैरों में, उसके हाथों में, उसके पेट में, उसकी चेस्ट में और उसके चेहरे पे इकट्ठा होने लगता है और उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आने लग जाती है। अगर ये स्वेलिंग बहुत दिनों तक आती जाएगी और ये काफ़ी लंबे समय तक रहेगी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपके फेफड़ों में पानी भर सकता है, दिल के आसपास पानी भर सकता है। तो किडनी रोगी को क्या करना चाहिए सूजन को कम करने के लिए, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सूजन होने का मुख्य कारण होता है कि पेशाब कम आना। किडनी रोगी का पेशाब कम होते चला जाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में स्वेलिंग आने लग जाती है। और जो दूसरा कारण होता है स्वेलिंग आने का, वो होता है जैसे पेशाब से प्रोटीन आना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको, या MPGN है, या उसको और भी कोई नेफ्रॉन से जुड़ी हुई बीमारी है, तब भी उसकी बॉडी पे, आँखों पे, हल्कों पे स्वेलिंग आ रही होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी भरा हुआ है, आप जब भी जहाँ भी आपके स्वेलिंग आई है आप वहाँ पे ऐसे दबाते हैं और वहाँ पे निशान बन जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एक्सेस फ्लूड जमा हो रहा है। आपको बहुत कम मात्रा में पानी पीना है। आप जितनी कम मात्रा में पानी पिएंगे, दूध लेंगे या जितनी भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं या लिक्विड वाला खाना है वो कम मात्रा में लेंगे, तो उससे आपकी बॉडी में पानी कम जाएगा। जैसे आपको 1 लीटर यूरिन 24 घंटे में आ रहा है, तो आप 1 लीटर के आसपास ही लिक्विड वाली चीज़ें लें, जिसमें चाय, दूध, पानी, दालें, जो भी आप लिक्विड लेते हैं वो सब उसमें ऐड हो जाएगा, साथ में चावल भी ऐड हो जाएगा। किडनी रोगी को जब स्वेलिंग आने लग जाती है तब उसको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल से भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बढ़ती है और बॉडी के अंदर जो एक्सेस फ्लूड होता है वो बढ़ता है। अगर यूरिन अच्छी क्वांटिटी में आ रहा है तो ही चावल खाएँ तो बेहतर रहता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या मेडिसिन हैं जो कि आपकी बॉडी से स्वेलिंग को कम कर देती हैं और आपके शरीर में से जो एक्सेस फ्लूड होता है उसको बाहर निकाल देती हैं। तो डायटोर आती हैं और भी कई तरह की डायरेटिक मेडिसिन आती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके अपने डॉक्टर की सलाह पे डायटोर ले सकते हैं। आप अपनी मर्जी से डायटोर मत लीजिएगा, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं और डॉक्टर आपको जितनी MG बता रहा है, जैसे 10 MG, 20 MG, 50 MG, उसके हिसाब से ही आप इस डाइटोर का प्रयोग करें। एक इंजेक्शन भी आता है जिसको लैक्सिस बोला जाता है, और ये लैक्सिस इंजेक्शन हाई ब्लड प्रेशर में दिया जाता है और ये भी यूरिन प्रोड्यूस करता है। अगर आपका BP बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से लैक्सिस इंजेक्शन भी ले सकते हैं। सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि ये जितनी भी मेडिसिन है इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो फ्रेंड, आशा करूंगा ये छोटी सी जानकारी आपके कुछ काम आएगी। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड वीडियो को शेयर करना प्लीज़ जारी रखिए, वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।